मानूर खाला, मैंने आपसे कहा था ना आएंगे हम। मानूर खाला, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक। आप इधर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अम्मी कहाँ है बुआ? गाड़ी पार्क कर रही हैं? नहीं बेटा, वकीलनी साहिबा थोड़ी मसरूफ थी, शायद वो नहीं आ पाएंगी। ये फरवा बेटी के लिए भेजा है। हमें उनकी खैरात नहीं चाहिए, आप उन्हें लौटा दीजिएगा। मेरी बेटी यतीम या लावारिस नहीं है। क्या बात है बेटा? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते मैं आपका दर्द नहीं समझ सकी। एक औरत की कुर्बानियों का एहसास नहीं कर सकी। अपना घर बसाने के लिए मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि सब कुछ भूल गई। सानिया और अपने अपने फर्क करना भूल गई। मुझे माफ कर। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही सोचती। शायद मुझसे ही ज्यादती हो गई। तुम लोगों में फर्क कर दिया मैंने। गलती आपकी नहीं अम्मी, गलती हमारी है। एक माँ अपनी औलाद के लिए जिंदगी भर कुर्बानियां देती आती है, और आज जब एक माँ को एक औलाद की जरूरत, तो हमने मुंह फेर लिया। माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को फर्ज समझ के निभाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही तसव्वुर किया जाता है कि शादी के बाद बेटियों पे माँ बाप का कोई हक। ये कैसा कानून है हमें, जहां शादी के बाद माएं अपनी बेटियों को बेटी समझना छोड़ देती हैं? हम बेटियों को इतना गैर क्यों कर दिया जाता है? क्यों हमें अपने ही घर से बेदख कर दिया जाता है? क्यों? बेटा यही सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बेटियां तो बेटियां ही होती, माँ बाप का घर भी उनका अपना ही घर होता है और हमेशा रहता है।